आपके सामने एडवांस फ्रेजेस 62 नंबर की सीरीज़ दे रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे बहुत ही छोटे छोटे वाक्यांश है और बहुत ही इजी है। अगर आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं तो 100-120 की स्पीड से आप आराम से लिख पाएंगे। इसके साथ ही कई राज्यों में कोर्ट में स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकली है, तो जो बच्चे कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं वो इस डिक्टेशन को लें और इस प्रकार की जो मैं आउटलाइन दे रहा हूँ इसको भी प्रैक्टिस करें तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और जिन बच्चों को बढ़िया से बढ़िया आउटलाइन चाहिए तो मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास जैसे ही मैं कोई आउटलाइन छोड़ूँ तो आपके पास तत्काल मिले। अब मैं आपको 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन से पहले आप आउटलाइन देखें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय में सिर्फ माना कर दें आप, उपाध्यक्ष जी, माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय उपाध्यक्ष जी, इसके संबंध में, ये इसका सबचन है, इसके संबंध को छोटा कर दें और मैं निकाल दें। इसके संबंध में एक लंबे अरसे से, लाइन को टच करके एक, ये लंबे डाउनवर्ड आर कर दें, एक लंबे अरसे से, ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ एक बिंदी लगा दें, एक लंबे अरसे से चल रहा है, ये चल डबल कर दें, रहा रही निकल जाएगा, चल रहा है, प्रधानमंत्री जी ने, प्र म र, प्रधानमंत्री जी और ने के डायरेक्शन में न लगा दें, प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, वैसे गृह बड़ा बोला, मंत्री जी और न का हुक लगा दें, गृह मंत्री जी ने, बातचीत के जरिए, ब को वादा करें, च को वादा करें, के जरिए, बातचीत के जरिए, हल किया जा सके, हल किया जा सके, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, या फिर आप इसको ऐसा ही बना सकते हैं, माननीय सदस्य, यहाँ अगर बनाएंगे तो इस तरीके से माननीय सदस्य, हमारे देश की एकता, टिकट लगाएं, हमारे देश की एकता, जबरदस्त खतरा, ये जर के अंदर एस्टी लूप लगा दें, ये जबरदस्त खतरा को डबल कर दें, है और बीच में काट दें, जबरदस्त खतरा, राजनीतिक हल, राजनीतिक, वहाँ का बड़ा गोला लगा के ल बना दें, राजनीतिक हल, इस बात पर विचार, इस बाग वादा कर दें, इस बात पर विचार का सब चिन्ह लगा दें, इस बात पर विचार, दुख के साथ, दुख के साथ, और ख को काट दें, दुख के साथ, कहना पड़ता है कि, कहना पड़ता है कि, साफ तौर से, साफ तौर से, अनेक प्रकार के, ये अनेक प्रकार को डबल करके का कर दें, अनेक प्रकार के, अनेक प्रकार के, ये अनेक प्रकार के, साफ जाहिर है कि, ये साफ जाहिर है कि, साफ जाहिर है कि, मांगों को लेकर, मांगों को लेकर, स्वीकार कर लिया जाए, स्वीकार कर लिया जाए, जनता पार्टी, जनों को वादा कर दें, पैसा काट दें, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ये भारत वादा कर दें, जनों को भी वादा कर दें और पैसा काट दें, भारतीय जनता पार्टी, कुछ ना कुछ, ये कुछ का सब चिन्ह है, इसके नीचे एक ना और लगा दें, इस तरीके से कुछ ना और दूसरा कुछ मुहावरे से पढ़ना है, कुछ ना कुछ। तो बच्चों ये मैंने आपको आउटलाइन 62 नंबर की दी। अब जो डिक्टेशन आ रहा है उसको 100 शब्द प्रति मिनट गति की स्पीड से लिखें। यस स्टार्ट। माननीय उपाध्यक्ष जी, जैसा अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, अच्छा होता कि यह बजट असम विधानसभा में ही प्रस्तुत होता और वहाँ
इसके संबंध में कार्रवाई होती, लेकिन हमसे वह हाल छिपा नहीं है जो कि एक लंबे अरसे से वहाँ पर चल रहा है। पिछले 8-10 महीने में प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने इस बात का काफ़ी प्रयत्न किया कि असम में जो आंदोलन चल रहा है वह बातचीत के जरिए से हल किया जा सके। विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों की तरफ से भी बार बार यह कहा गया कि इस आंदोलन के अंदर पृथकता की भावना है, इस आंदोलन के अंदर सांप्रदायिकता का विष है और इस आंदोलन से हमारे देश की एकता को जबरदस्त खतरा है, इसलिए इसका कोई ना कोई राजनीतिक हल ढूंढा जाना चाहिए। लेकिन यह बात किसी से छिपी नहीं है कि राजनीतिक हल क्या हो। जब इस बात पर विचार होता है तब राय एक नहीं होती, बल्कि मुझे तो दुख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ दल तो साफ तौर से आंदोलन का समर्थन करते हैं। कहाँ से धन आ रहा है, कौन धन दे रहा है, इसके संबंध में अनेक प्रकार के विवाद हैं, अनेक शंकाएँ हैं। मैं उसके विस्तार में जाना नहीं चाहता, लेकिन एक बात निश्चित है कि आज असम में जो आंदोलन चल रहा है उसका बातचीत के जरिए से हल निकाला जा सके तो उससे अच्छी बात कोई दूसरी हो नहीं सकती है। यह बात भी साफ है कि वहाँ पर आंदोलनकारी जिन मांगों को लेकर चल रहे हैं, मैं समझता हूँ विरोधी पक्ष भी उन मांगों को पूर्णतया स्वीकार करने के पक्ष में नहीं हैं, और अगर उनको स्वीकार कर लिया जाए तो उसका असर देश के कई दूसरे हिस्सों पर भी अलग अलग तरीके से पड़ेगा। कहा यह जाता है कि पिछले 30 साल के कांग्रेस के शासन में यह खराबी वहाँ पर पैदा हुई, विदेशी लोग वहाँ पर पहुँचे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि 30 साल बाद जब जनता पार्टी का शासन आया तो क्या जनता पार्टी की सरकार ने इस आंदोलन के शुरू होने से पहले इस संबंध में विदेशी लोग वहाँ पर जाकर ठहर गए हैं, क्या कोई कार्रवाई की? 2 साल तक जब तक जनता पार्टी का विघटन नहीं हुआ था असम में कोई आंदोलन नहीं था, कभी भी कोई कदम उठाने की बात नहीं की गई। जब आंदोलन में शुरू हो गया तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उसकी मांगें वाजिब हैं, उनकी मांगों का समर्थन किया जाना चाहिए। 1977 में जो आम चुनाव हुए उस चुनाव के समय तक कहीं ये बात नहीं उठाई गई, तभी लोग उस चुनाव की वोटिंग में शरीक हुए, फिर भी प्रधानमंत्री जी ने और दूसरों ने कहा कि 1971 के बाद जो लोग आए हुए हैं उनके संबंध में जांच पड़ताल करके कार्रवाई की जाएगी। इस समस्या का हल निकालने के लिए सरकार की ओर से प्रत्येक प्रयत्न किए गए, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारत सरकार ने बातचीत का जो हाथ बढ़ाया उसको आंदोलनकारियों ने गलत समझा। उन्होंने समझा कि अधिक जोर लगाकर चलो तो कुछ ना कुछ और हमको लाभ होगा। ऐसी नौबत भी आ गई कि पहले अगर बातचीत का निमंत्रण दिया जाता था तो आने के लिए वे लोग तैयार हो जाते थे, लेकिन वे अब कह रहे हैं कि बातचीत करनी है तो असम में आकर करो, दिल्ली आकर हम बातचीत नहीं करना चाहते। इससे आभास मिलता है कि बातचीत और रियायत को वे सही स्प्रिट में न लेकर यह समझ गए कि ज़्यादा दबाव डालने से इस समस्या का हल ज़्यादा आसानी के साथ निकल आएगा। धन्यवाद।